अमीन हफीज बड़े अरसे के बाद पहुंच गए हैं चिड़ियाघर में और अमीन हफीज को अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई है। जब मैं बचपन में अपने अम्मी अब्बू के साथ लाहौर का चिड़ियाघर देखने आता था उस वक्त 5 रुपये की टिकट बड़े की होती थी, फिर 3 रुपये की टिकट छोटे बंदे की होती थी। आज मुझे पता लगा है कि 60 रुपये की टिकट है बड़े आदमी की, बच्चे की 30 रुपये की, तालिब इल्म की 20 रुपये की और माजूर और सीनियर सिटीज़न बिल्कुल मुफ्त हैं। चिड़ियाघर आज कैसा है हम आपको चिड़ियाघर की सैर कराते हैं, चिड़ियाघर के सारे जानवरों से आपको मिलवाएंगे, आप अमीन हफीज साहब के साथ रहिए। क्या आज चिड़ियाघर की सैर होगी, वाह चिड़ियाघर लाहौर का जबरदस्त, क्या बात है, ये वैसा ही चिड़ियाघर है जो अमीन हफीज देखा करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें काफ़ी सारी तब्दीली हो गई है, बड़ा प्यारा प्यारा खुला खुला लग रहा है। पहले भी जब मैं आया था तो सबसे पहले मुझे बंदरों का जो पिंजरा है वो नज़र आया था, आज भी मुझे बंदरों का पिंजरा नज़र आया है, लेकिन ये लगता है बहुत प्यारा बहुत बड़ा इन्होंने बंदरों का पिंजरा बना दिया है। हाथी की सैर अमीन हफीज की ख्वाहिश है, अमीन हफीज आज हाथी की भी सैर करेंगे और अपना बचपन याद करेंगे। अब मैं बंदरों को मिलने जा रहा हूँ। अब अमीन हफीज पहुंच गए हैं बबर शेर के पास और बबर शेर अमीन हफीज का बड़ा प्यारा दोस्त बन गया है। इस वक्त बबर शेर चाह रहा है कि अमीन हफीज जल्दी से मेरे पास आओ, वो उसकी बेताबी आप देख सकते हैं। अब अमीन हफीज साहब बबर शेर के पास जा रहे हैं, आप मेरे साथ रहें, लेकिन आप नहीं आए, अमीन हफीज जाएगा किसके पास, बबर शेर के पास, और कहां तक जाऊंगा ये आप देखिएगा। अमीन हफीज बबर शेर के पास आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखा बबर शेर अमीन हफीज से प्यार करता है। असल में मैं चाहता था कि बबर शेर को नाश्ता मैं खुद कराऊं, अब मैं बबर शेर को नाश्ता कराऊंगा। बबर शेर को नाश्ते में क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं। ये देखें मुर्गी चिकन ये मिलती है बबर शेर को नाश्ते में, और उसके बाद ये देखें और हाय 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 ये बीफ का गोश्त है, मसलन बड़ा गोश्त, ये बबर शेर को अमीन हफीज खिलाना चाहता है। आहा 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 खाएगा बबर शेर को खाना खिलाया जाए अमीन हफीज। ए अमीन हफीज थोड़ा डर रहे हैं, आप घबराए नहीं, असल में चूंकि शेर शेर होता है, अमीन हफीज होता है। ये देखिए बबर शेर ने खाना शुरू कर दिया है, बबर शेर अमीन हफीज का दोस्त है, देखा मैंने कहा था ना बबर शेर अमीन हफीज का इंतजार कर रहा था। हमने बबर शेर को चिकन भी खिलाया और बीफ गोश्त भी। अमीन हफीज बबर शेर के बाद अब आ गए हैं टाइगर के पास,
टाइगर साहब अमीन हफीज आए हैं, कैसा लग रहा है अमीन हफीज? आज बताए आपने नाश्ता क्या करना है, पूरी हलवा खाना है, गोश्त खाना है, सीरी पाए खाने हैं? ये मैं सारा मेन्यू टाइगर से पूछ रहा हूँ। हो सकता है टाइगर का भी तिल कर रहा हो कि वो लोहरी नान चने खाए या पूरी हलवा खाए। अभी हम टाइगर से पूछते हैं। टाइगर जी जरा बात सुनो, आपने क्या खाना है? देखो मेरे पास है मुर्गी, चिकन मुर्गी, चिकन मुर्गी खानी है या मेरे पास बीफ गोश्त भी है, क्या खाना है बताओ? क्या पूरी हलवा खाना है? ए ऐसे ले, हमने टाइगर को गोश्त डाल दिया है, टाइगर को लगता है बीफ गोश्त पसंद नहीं है, हम इसको मुर्गी भी खिलाने की कोशिश करेंगे। चलो चलो भाई, ये मुर्गी टाइगर खाना चाहता है लेकिन मुर्गी बड़े साइज की है, वो अंदर नहीं जा रही। अमीन हफीज मुर्गी के दो पीस कर देंगे। आय हाय हाय हाय, ये देखें अब अमीन हफीज मुर्गी खिलाते हैं। आय हाय हाय, टाइगर को जो मुर्गी है वो पसंद आई है। चिड़िया घर के बब्बर शेर और टाइगर को खाना खिलाने के बाद अब अमीन हफीज साहब जा रहे हैं शेरनी के पास। मुझे बब्बर शेर ने कहा कि मेरी बीवी शेरनी को आपने ब्रॉयलर मुर्गी खिलानी है, बीफ का गोश्त नहीं देना। तो चूंकि शेर से मेरी दोस्ती हो गई है इसलिए मैं उसकी बात मान लेता हूं। आप मेरे साथ आए, अब हम शेरनी को ब्रॉयलर मुर्गी खिलाएंगे। वाह जी वाह, ये देखें अब हमने शेर की, बब्बर शेर की ख्वाहिश के मुताबिक उसको ब्रॉयलर मुर्गी के भी लेग पीस खिलाने लगे हैं। शेरनी इधर आओ, मुझे शेर ने कहा था आपको ब्रॉयलर मुर्गी देनी है, मैं आपको ब्रॉयलर मुर्गी देता हूँ। ये देखो खाओ खाओ खाओ, ये देखो आय हाय हाय। और शेरनी जो है ना वो लेग पीस शौक से खाती है, सीने वाला पीस शौक से नहीं खाती। और अमीन हफीज भी ब्रॉयलर मुर्गी का लेग पीस शौक से खाता है। ऐसे करके अब हम ऐसे पिंजरे के पास जा रहे हैं जहां बब्बर शेर भी है और उसकी अहलिया शेरनी भी मौजूद है। यहां पर चिड़ियाघर की इंतजामिया ने बताया है कि चिड़ियाघर में 17 शेर और 7 टाइगर मौजूद हैं। चिड़ियाघर की इंतजामिया कहती है कि वो 17 शेरों में से 7 शेर और टाइगरों में से जो 7 टाइगर हैं उनमें से 3 टाइगर बेचना चाहती है। क्यों जी बब्बर शेर, अगर अमीन हफीज आपको बेचना चाहे आप उसके साथ बिक जाओगे? हाँ हाँ, मशरकी बब्बर शेर है ना, शर्मा गया है, उसने प्यार से आंखें नीची कर ली हैं। बब्बर शेर मान गया है। अब हम शेरनी से भी पूछते हैं, आप बताइए जी शेरनी क्या कहती हो, लोग आपको खरीदना चाहते हैं, आप उनके साथ चली जाओगी? आ जाओ मेरे साथ चले, आप आ जाओ मेरे घर, आ जाओ शेरनी, आ जाओ, आप आ जाओगे ना शेर खुद ही आ जाएगा, आ जाओ आ जाओ। चिड़ियाघर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी, आपको पता है हमेशा चिड़ियाघर उनका सबसे पसंदीदा मुकाम होता है। चिड़ियाघर में आने वाले बच्चों से अब हम बात करते हैं कि उनको चिड़ियाघर कैसा लग रहा है। आप बेटे बताएं चिड़ियाघर आपको कैसा लगता है? चिड़ियाघर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप कौन से जानवर को देखने आए थे? मैं सारों को। सबको? अच्छा, कैसे लगे सारे जानवर? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। मेरी बेटी बताएगी आपको सबसे प्यारा जानवर कौन सा लगा है? टाइगर। टाइगर? टाइगर क्यों प्यारा लगा है? कि वो एक्टिव होता है, वो बहुत तेज होता है, हैं? आपको इसलिए पसंद है? यस। तो आप भी अपने स्कूल में क्लास में एक्टिव हो, सारे काम शौक से करती हो, आगे बढ़ कर करती हो? यस।
थे। हाँ, और मेरा बेटा बताएगा आपको चिड़ियाघर में कौन सा जानवर अच्छा लगा है? सब हैं? सब सब जानवर अच्छे लगे। कोई ऐसा जानवर जिसको आप देखना चाहते थे वो चिड़ियाघर में नजर नहीं आया? एलिफेंट। एलिफेंट, हाथी। तो यहाँ पर हाथी नहीं है चिड़ियाघर में? हाथी नहीं है, तो आप हाथी की सैर करने जा रहे थे? हाथी को देखने। अब हम चलते हैं हाथी वाली जगह पर जहाँ पर हाथी होता था। क्या सूरत हाल है वहाँ की, हम वो भी आपको दिखाते हैं। लाहौर चिड़ियाघर में 2017 से आज तक, मतलब 5 साल हो गए, असली हाथी नहीं है। चिड़ियाघर लाहौर की इंतजामिया ने बच्चों के साथ मजाक कर दिया है। मजाक क्या है कि असली हाथी की बजाय ये नकली हाथी बना दिया है, और इस नकली हाथी पर बच्चों को बिठा के उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, मगर सैर नकली हाथी पे कराई जाती है। हर बच्चे से 50 रुपया लेके सिर्फ 2 मिनट की इस नकली हाथी की सैर कराई जाती है, लेकिन बच्चे हैं कि वो नकली हाथी की सैर करके भी खुशी से फूले नहीं समाते। हमें बहुत से बच्चों ने गिला किया है और ये कहा है कि आप डिस्कवर पाकिस्तान के ज़रिए हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि लाहौर चिड़ियाघर में फौरी तौर पर हाथी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि 5 साल से लाहौर चिड़ियाघर में असली हाथी नहीं है, मस्नूई हाथी है। आप बताइए आपने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा? टर्टल, शेर, टाइगर, और फिर मैंने देखा मंकी, टाइगर। अच्छा, आपने क्या क्या देखा चिड़ियाघर में? लायन देखा, टाइगर देखा और मंकी देखा। बेटे आपने चिड़ियाघर में क्या क्या देखे हैं? मैंने मंकी, टर्टल, टाइगर, जिराफ। अच्छा चलिए आप बताइए आप चिड़ियाघर के बारे में क्या कहोगी? मैं चिड़ियाघर में आई थी तो इन्होंने असली हाथी के बजाय मुझे नकली हाथी पे सैर करवाई। तो आपने असली हाथी की सैर करने के लिए पैसे दिए थे? जी। तो अभी आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं असली हाथी पे सैर करूँ। चिड़ियाघर में आने वाले बच्चों का एक ही मुतालबा है कि हमें हाथी चाहिए, हमें हाथी चाहिए। वी वांट एलिफेंट, 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 वी वांट एलिफेंट। यहाँ चिड़ियाघर में कई जानवर ऐसे हैं जो कुंवारे हैं, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दुआ कर सकते हैं वो भी फंसे। घर में आने वाली फैमिली से हम बात करते हैं। आप बताएं जी कितने अरसे बाद चिड़ियाघर आए हैं? अभी कुछ आई थिंक 2-4 साल हो गए हैं जो लास्ट हमारा चक्कर लगा था, कोविड से पहले ही आए थे। अच्छा अच्छा, उसके बाद अभी आए हैं। हाँ जी। तो बहन आप बताएं, आप इधर आए जरा थोड़ा सा, तो आप बताएं ये माशाल्लाह आप दोनों मियाँ बीवी अपने बेबी के साथ आए हैं चिड़ियाघर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मेरे बेटे का पहला एक्सपीरियंस है, वो सारे एनिमल्स देखने आया है जू में, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुशी से उसने सारे एनिमल्स देखे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो कौन कौन से जानवर अभी तक हमारे भतीजे ने देखे? इनको जो सबसे ज्यादा पसंद आए लायन, टाइगर, और इन्होंने लामा, डियर, सारे काफी सारे एनिमल्स देखे। तो बब्बर शेर भी देखा हूँ। ऐसे बब्बर शेर? जी जी बिल्कुल देखा है, बल्कि इसका अपना नाम हैदर है, तो हम कह रहे थे आप भी लायन हो और ये भी लायन है, तो ये काफी एक्साइटेड हुआ। ये भी लाइन है? नहीं ये। अच्छा वो भी लाइन है। तो माशाल्लाह आप बताएं जी आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा चिड़ियाघर आके, कोई बताएं? बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बस ये है कि इस तरह की फैसिलिटीज को जितना और इम्प्रूव कर सकते हैं इन्हें करना चाहिए, क्योंकि जगह इस तरह की कम, एंटरटेनमेंट प्लेसेस कम है, बट
मतलब माशाल्लाह एक अच्छी रिक्रिएशनल प्लेस है तो अच्छा जबरदस्त। चिड़ियाघर आके मियाँ बीवी कहते हैं मज़ा आया है, और बच्चे के साथ तो बहुत मज़ा आया है। बच्चों ने भी जानवर देखे हैं और कहते हैं पहली दफ़ा उनके बच्चे ने ये चिड़ियाघर के चिरिंद परिंद देखे हैं और खुशी से खिल उठा है। वाह जी वाह, क्या बात है। घर में अब हाथी तो है नहीं, सिर्फ ऊंट की सवारी हो रही है। अमीन हफीज का दिल कर रहा है कि मैं ऊंट की सवारी कर लूं। अगर के ऊंट की सवारी नन्हे बच्चे छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज अमीन हफीज को अपना बचपन याद आ रहा है। जी चाह रहा है कि ऊंट की सैर करूं। मुझे आप इजाजत देते हैं, मैं ऊंट इजाजत मिल गई है। अमीन हफीज बच्चों के साथ ऊंट की करेंगे सैर। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है। ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, इन्होंने अमीन हफीज साहब को वेलकम किया है। अब अमीन हफीज करेंगे ऊंट की सैर। चले जी ऊंट की सैर करें। आहा आहा, दम 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 दन 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 दन। वाह जी वाह, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बचपन में तो अमीन हफीज को ऊंट की सैर करने का मज़ा आया ही था, अब मज़ा दुबाला हो गया है। ऊंट की सैर अब ख़त्म हो गई है, अब बच्चों को ऊंटनी से उतारा जा रहा है। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ एक दफ़ा ऊंटनी की सैर और की जाए, लेकिन नहीं, ये ऊंटनी की सैर बच्चों का हक है। ऊंटनी की सैर करने वाले बच्चों से अब अमीन हफीज बातें करते हैं कि इनको ऊंटनी की सैर कैसी लगती है। जी बेटे, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा पापा को कि ना हमने कैंप हमने ना एलिफेंट पे बैठे हैं। अच्छा। तो एलिफेंट यहाँ है नहीं था, तो एलिफेंट नहीं है यहाँ पे? नहीं, सच्ची मुच्ची नहीं। अच्छा, फिर क्या पापा को कहा आपने? पापा ने कहा कि ना कैमल पे बैठना। अच्छा, मेरी ये प्यारी बेटी कहती है हाथी की सैर करने को दिल कर रहा था, हाथी नहीं था तो फिर कैमल की सैर आपने कर ली। अच्छा, ये बताइए कि आप पहले चिड़ियाघर आए, तब चिड़ियाघर कैसा होता था, और आज बच्चों के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छी फीलिंग है जी। पहले बचपन में आते होते थे और अब अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। बेहतर तो वैसे यही था कि थोड़ा बहुत मेंटेन करें, अगर क्योंकि जानवर मैं देख रहा हूँ काफ़ी गंदे हैं और उन लोगों की जो हालत कुछ साफ नहीं लग रही। मतलब उनको नहलाया नहीं हुआ? हाँ कह सकते हैं, लाया नहीं हुआ। कपड़े भी अच्छे नहीं पहनाए हुए, लाहौर ही नहीं लग रहे, सेहत में नहीं है, थोड़ी सेहत पकड़ने वाले होने चाहिए थे। मतलब इन्होंने कोई सीरी पाए नहीं खाए या कोई दूध दही का नहीं, खुद ही खा जाते हैं, इन बेचारों को लगता कुछ नहीं देते, जानवरों को कुछ नहीं देते। अच्छा, आपकी वैसे क्या राय है कि आप जब चिड़ियाघर पहले आए थे और आज आए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे तो हमेशा जी जानवर देखना अच्छा लगता है, और मैं बचपन भी आती थी, मैं स्कूल डेज कॉलेज यूनिवर्सिटी हर चीज़ में, शादी के बाद भी बच्चे नहीं भी थे फिर भी आया करती थी। जानवर एक ऐसी चीज़ है जिनसे बड़े बड़े प्यारे हैं, बेज़बान होते हैं, हमेशा यहाँ आके अच्छा ही महसूस होता है। बट ये है कि वही बात कि जिस तरह छोटे होते से अब हम आते हैं तो हालात बेहतर से बेहतर की बजाय थोड़े वैसे ही हैं या और बेहतर किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ आप चिड़ियाघर की एक खूबी एक खामी बताएं, क्या कहेंगे? एक खूबी तो ये कि आप बहुत सारे जानवर जो हैं वो इकट्ठे देख लेते हैं, बहुत सारे रीजन्स के हैं, जैसे अभी मारखोर था वो ठंडे इलाके का है, वो आप यहाँ देख लेते हैं। सही। और लेकिन ये कि
थोड़ा बड़ा होना चाहिए आई गेस. जिराफ बेचारा इतनी सी जगह पे, शेर बेचारा थोड़ी सी जगह पे. लेकिन अच्छा। ये कि हमें लाहौर के अंदर मेन हब में इस तरह से मिल जाता है वो भी बड़ी नेमत है. अच्छा, आपको पता है कि जैसे आप तो मियां बीवी हैं और प्यारे लगते हैं, अल्लाह ताला का हुसन है, तो यहाँ चिड़ियाघर में कई जानवर ऐसे हैं जो कुंवारे हैं, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दुआ कर सकते हैं वो भी फंसे. मतलब जानवरों की शादी हो वो भी फंसे, और आप क्या कहेंगे? ये बाकी वो फंसते नहीं है. वाह जी वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है हमारी बहना ने कि जानवर जो हैं वो खुद भी शादी नहीं कराना चाहते, कि उनको पता है कि शादी हो गई तो फिर हुक्म की तमील करनी पड़ेगी. लाहौर चिड़ियाघर की डिप्टी डायरेक्टर किरण सलीम हमारे साथ मौजूद हैं. हम इनसे चिड़ियाघर के बारे में बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं. जी मैडम, बताइए चिड़ियाघर में कितने जानवर हैं और कितने मिसिंग हैं? लाहौर चिड़ियाघर में हमारे पास इस वक्त 104 इकसाम के जानवर और परिंदे मौजूद हैं, और इनकी तादाद तकरीबन 1200 के करीब है. इसमें ख़ास तौर पर जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के वाले जानवर हैं, उसमें हैवीएस्ट मैमल्स ऑफ दी अर्थ वो मौजूद हैं. इसमें राइनो और हिप्पो, ये दो हैं हमारे पास. टॉलेस्ट मैमल ऑफ दी अर्थ जिराफ, वो मौजूद हैं हमारे पास. और इसके अलावा बेशुमार लॉयन, टाइगर्स और दूसरी स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पर हैं. हाथी वैसे क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं? लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की जो पसंदीदा तरीन जो स्पीशी रही है हाथी का, उसमें शुमार होता है, और हम भी हाथी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. तो इस हवाले से हमारी कोशिश रही है कि लाहौर चिड़ियाघर में हम हाथी को यहाँ पर ऐड कर सकें, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया. बहरहाल हमारी कोशिशें जारी हैं, और पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट इस हवाले से गौर कर रहा है कि अगर हम जानवर लाएँ इस तरह का तो किसी खुली और बड़ी जगह के ऊपर उसको लेकर आया जाए. अच्छा अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर मुझे पता चला है कि लाहौर चिड़ियाघर में बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कुंवारे हैं, मतलब उनकी शादियाँ नहीं हुई, मतलब किसी का मेल पार्टनर नहीं है, किसी का फीमेल पार्टनर नहीं है. तो आपने कभी उनके लिए ज़रूरत रिश्ते का इश्तहार दिया या किसी वचोलनी को कहा कि उसका रिश्ता लाएँ? लाहौर चिड़ियाघर इस हवाले से हमेशा बहुत सरगर्म रहता है, और उसमें ये खाली ये गैर शादीशुदा नहीं है, ये शादीशुदा हो के बाद में अलहदा अकेले हुए हुए हैं. हाँ जी बिल्कुल, आप यूं कह सकते हैं इसको. इसमें जो हमारा राइनो है उसकी फीमेल की डेथ हुई थी, ये पूरा एक पेयर था हमारे पास. इसी तरीके से जो दरियाई घोड़ा यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इसमें भी ये प्रॉपर पेयर था, लेकिन इसमें मेल की डेथ हो गई, वो अपने लाइफ स्पैन क्रॉस करके, अपना बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन क्रॉस करने के बाद उसकी डेथ हुई. तो इस वक्त हमारे पास ये दोनों एनिमल्स वो मौजूद हैं जो अकेले हैं. अगर मीन फीस बब्बर शेर पालना चाहे अपने घर में, आपके पास तो फालतू भी है ना, तो आप उन देना भी चाहते हैं या फरोख्त करना चाहते हैं? अगर मीन फीस बब्बर शेर टाइगर लेना चाहे तो क्या तरीक़ाकार है, मुझे क्या शरायत पूरी करनी पड़ेंगी? अमीन हफीज़ साहब, अगर वो टाइगर या शेर लेना चाहें तो आपको उसके साथ दोस्ती करने से पहले ये करना पड़ेगा कि आप डिपार्टमेंट को बताएंगे कि क्या आप इसके लिए प्रॉपर हाउसिंग रखते हैं, या आपने उसको जैसे टिकटॉक पे आप देखते हैं कि किसी ने गले में उसको पट्टा डाला हुआ और घर में रखा हुआ है, आपने आपको हम ऐसे नहीं रखने. मैं जगह मेरे पास है. आपके पास वो जगह होनी चाहिए. उस जगह को पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट चेक करता है, आपकी स्पेस देखता है, और उसके हवाले से उनका ब्रीडिंग फार्म के रूल्स हैं, उसके तहत लाइसेंसिंग होती है. आप उसके लाइसेंस होल्डर बनेंगे और उसके बाद आप वो जानवर हासिल कर सकेंगे. और अच्छा, अगर मैं बब्बर शेर लेना चाहूँ तो वो मुझे कितने में बब्बर शेर मिल सकता है या टाइगर? लाहौर ज़ू में अगर मैं सारी शर्तें पूरी कर ली. हाँ, इसमें यूँ है कि जो हमारे शेर की जो कीमत है वो 2 लाख है, सरकारी रेट है, बहुत. अच्छा। उसमें आसानी से आपको ये मिल सकता है. और टाइगर? टाइगर की चूंकि हमारे कोई गवर्नमेंट रेट तय नहीं है, इसलिए वो हम आपको नहीं दे पाएंगे. चिड़ियाघर में इसकी तज़ीन और ऐश के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत दिलचस्पी लेते हैं. क्या क्या फैसले हुए हैं कि चिड़ियाघर और खूबसूरत हो जाए, लोग आएँ तो यहाँ पर उनको मज़ा आए, तो क्या क्या चीज़ें असूली तौर पर तय हुई हैं?
इसमें यूँ है कि एक तो चिड़ियाघर के लिए जो एक अथॉरिटी है ज़ू अथॉरिटी, उसका क़याम के ऊपर ज़ेरे गौर है, क़याम के मुतल्लिक डिस्कशन हो रही है जिसके तहत तमाम ज़ूज़ आ जाएंगे और मज़ीद साइंटिफिक अंदाज़ में, मज़ीद बेहतर अंदाज़ में ज़ूज़ को रन किया जा सकेगा। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, जिसमें लोगों के पास एक तो जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं बैठने के लिए जगह, जो फूड पॉइंट हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, और इसी तरीके से कुछ जो एनिमल्स हैं उनके हवाले से एडिशन ज़ेरे गौर है। आज हमने आपको चिड़ियाघर का तफरीही और मुतालियाती दौरा कराया और बताया कि चिड़ियाघर में कितने ज़्यादा जानवर रहते हैं, और ये भी बताया कि चिड़ियाघर में कुंवारे जानवर कितने हैं, रंडवे और बेवा जानवर कितने हैं। आप भी जब कभी चिड़ियाघर आएँ तो यहाँ पर मौजूद तमाम जानवर देखें। ताहम एक शिकायत बच्चों ने ये की है कि चिड़ियाघर में हाथी नहीं है। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर चिड़ियाघर में बच्चों का सबसे पसंदीदा जानवर हाथी का इंतज़ाम करें। कैमरा टीम और प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। डिस्कवर पाकिस्तान पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।